को इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ा क्योंकि एकेडमिक्स नीचे चले गए, सोशल डिटैचमेंट हो गया। स्थिति है कि रात को एक परिवार बैठा है तो पिता के हाथ में उसका मोबाइल है, माता के हाथ में उसका मोबाइल है, बच्चे के हाथ में उसका मोबाइल है, बिटिया के हाथ में उसका मोबाइल है, दादा के हाथ में उनका मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। क्या संस्कार देंगे और क्या संस्कार से बचेंगे? तो साथियों, व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जब हस्बैंड वर्क पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, वो थोड़ा मोड़ा काम से फ्री हो जाती है। 99% आई एम रियली सॉरी, मेरी बात के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम हाउसवाइफ्स अपना समय आज या तो FB पे बिता रही है या व्हाट्सएप पे बिता रही है। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पैदा हो रही हैं, इस वजह से खुद से डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो रहा है, इस वजह से परचेसिंग की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से कंपैरिजन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से कंपटीशन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से अपने ही घर से, अपने पति से, अपनी सास से, अपने परिवार से असंतुष्ट होते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप वरदान है कि वायरस है? व्हाट्सएप वरदान है कि अभिशाप है? हम सबको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल VIP जैसे प्रोग्रामों में सबसे पहले हम लोगों से एडिक्शंस डिलीट करवाते हैं। आपको पता है VIP की सबसे पहली हैबिट क्या है? फिक्स सोशल मीडिया टाइम। और हम लोगों से कहते हैं 30 मिनट इज द बेस्ट पर डे टाइम फॉर सोशल मीडिया। बहुत अडिक्ट होना है तो 60 मिनट, लेकिन नॉर्मल आदमी 3 घंटे 4 घंटे बिताता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 8-9 घंटे सोते हैं, 2 घंटे नहाने धोने अन्य इमरजेंसियों में जाते हैं, 11 घंटे 1 घंटा तैयार वगैरह होने में, 12 घंटा आधा 1 घंटा कुछ और चीजों में, मुश्किल से 9-10 घंटे का इफेक्टिव टाइम आपके पास बचता है। उस 10 घंटे में 9 घंटे में यदि 3 घंटे आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को दे दिए तो हर 10 साल में आपने 3 साल दे दिए, हर 30 साल में आपने 10 साल दे दिया, मोटा मोटा एक तिहाई जीवन आपने उसमें खत्म कर दिया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं इस खतरे को भाप गया था। हम लोग सुबह सुबह 10 बजे सेशन लेने घुसते हैं, गुरुकुल वगैरह फुल डे के होते हैं, और रात को जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं, कोई ना कोई हमको अपने ग्रुप में जोड़ लेता है और शाम तक 500-700-1000 मैसेज जमा हो जाते हैं। आप मजाक समझ रहे हैं? आप मुझे आके अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, पूरा कचरा मेरे मोबाइल में डाल देंगे और शाम को आप बोलेंगे पसंद नहीं है तो क्विट कर जाइए, और मैं क्विट करूंगा उसके बाद मैं कचरा झाड़ते बैठूं, इसका मतलब आप मेरे घर में आके कचरा फेंक दीजिए और चले जाइए और मैं उस कचरे को झाड़ू लगाऊं। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करने का निर्णय लिया। मैं दिल्ली में वकीलों से मिला, उन्होंने मुझे सलाह दी कि सर पूरे डिपार्टमेंट्स को पहले भेजिए, ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस निकालते हैं कि कौन से रूल के तहत ये वायलेशन हो रहा है। मैंने हिंदुस्तान के हर सरकारी विभाग को लिखा, आप अजरज कर जाएंगे, एक भी विभाग ने इसका जवाब नहीं दिया कि कौन से रूल का वायलेशन कर रहा है व्हाट्सएप। यदि वो मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि मेरे बिना पूछे कोई भी मुझे अपना मेंबर बना लेता है, कैसे बना लेगा, मेरा कोई पर्सनल टाइम है कि नहीं है? यदि एक दिन में 10 ग्रुप मेरे को मेंबर बनाते हैं और 2000 मैसेज मेरे दिन में आ जाते हैं, तो यदि मेरे पर मिनट की कोई वैल्यू, तो आप भरेंगे वो वैल्यू? तो साथियों, पहली समस्या अडल्ट्री, दूसरी समस्या लो प्रोडक्टिविटी, तीसरी समस्या फैमिली वैल्यूज का खत्म होना, गलत एक्सपोजर की वजह से मिसगाइड होना लाइफ में, आप अंदाज नहीं लगा सकते दोस्त व्हाट्सएप क्या कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्वयं कितनी देर व्हाट्सएप यूज करते हैं? यदि एटॉमिक बम की रेस है तो व्हाट्सएप भी एक तरीके का एटॉमिक बॉम्ब है। पूरी दुनिया एटॉमिक बॉम्ब पे बैठी है। व्हाट्सएप एक तरीके की सोशल ड्रिंकिंग है, सोशल स्मोकिंग है, जिसमें लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और आप एक एडिक्शन के ऐसे शिकार हो रखे हैं कि यदि थोड़ी देर आपको व्हाट्सएप नहीं आए, सच कहिए, थोड़ी देर यदि आपको व्हाट्सएप नहीं आया तो आप डेटा को ऑन ऑफ करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। साथियों, पहले हम फोन आने पे फोन उठाते थे, अब नहीं आता तो फोन उठाते हैं, एक व्हाट्सएप देखने के लिए खोलते हैं और 50 ग्रुप देखते हैं, और यही हाल फेसबुक का भी है, लेकिन फिर भी फेसबुक अडल्ट्री कम फैला रहा है, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फैला रहा है। तो साथियों, सबसे पहले यदि संभव है तो अपने टोटल सोशल मीडिया टाइम को 30 मिनट पे रोक दें। अपने परिवार के यंगस्टर्स का, बच्चों का मोबाइल लगातार चेक करते रहें कि उनके व्हाट्सएप पे क्या आ जा रहा है और वो किस तरीके के ग्रुप का हिस्सा है। एक बार अपना डे ऑडिट करें और देखें आप खुद व्हाट्सएप पर कितनी देर बिता रहे हैं। आपको अंदाज भी नहीं है कि व्हाट्सएप धीरे 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 आपके अंदर समाता चला जा रहा है, और आप जो इसके मालिक थे आपका भी इसके गुलाम बन गए, पता ही नहीं चला।
तो यदि सोसाइटी की वैल्यूज को बचाना है, यदि कल्चर को बचाना है, यदि अपनी प्रोडक्टिविटी को बचाना है, यदि अपनी सफलता को बचाना है, तो सोशल मीडिया का रिस्ट्रिक्टेड यूसेज हमको सीखना पड़ेगा। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर अपना कमेंट करें और ये भी लिखें आप खुद कितनी देर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूज करते हैं और आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप कितनी देर यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ उन सारे परिवार के सदस्यों को जिनको मोबाइल का कीड़ा लगा हुआ है, जो रात दिन ऐसे पड़े रहते हैं, उन सबको ये वीडियो जरूर भेजें जिससे कि उनका मोबाइल का कीड़ा, मोबाइल का वायरस, मोबाइल का इन्फेक्शन, सोशल मीडिया का जो उन पर प्रभाव है वो कम हो और वो अपने व्यापार पे ध्यान दें, वो अपने व्यवसाय पे ध्यान दें, वो स्वयं पे ध्यान दें, वो अपने परिवार पे ध्यान दें, वो अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, वो अपनी ड्रीम्स पे ध्यान दें। यदि देश को बचाना है तो इस व्हाट्सएप को घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि आपको जानकर अचरज होगा, आयरलैंड का व्हाट्सएप यूसेज हमारे से कम है, यूके का व्हाट्सएप यूसेज हमारे से कम है, दुनिया में 70% देशों का व्हाट्सएप यूसेज इंडिया से कम है। और इतनी बड़ी आबादी वाला देश यदि इसमें बिता देगा आधा दिन तो काम कब करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना वायरल करिए, यदि अब तक आपने उज्ज्वल वाटनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन को तुरंत दबाइए ताकि ऐसे वीडियो से आप वंचित ना हो। खूब कमेंट करिए। और साथियों, हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, हम लोगों को क्या है, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का मौका नहीं मिला, तो आइए ये नया स्वतंत्रता संग्राम लड़ लें। कुछ दिन पहले मैंने शिक्षा पे एक वीडियो जारी किया था, तब मैंने आपसे अर्ज किया था देश के सड़े गले एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हर घर के हर महिला, हर पुरुष, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, हर किसी को जो व्हाट्सएप की बीमारी लग गई है उनको हिला हिला के, झंझोड़ झंझोड़ के सचेत करना है कि भाई इसके मालिक बने रहो, गुलाम नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।